हेलो गाइस, वेलकम टू माय एंटरप्रेन्योरशिप क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। चैप्टर नंबर 2, नेम एन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट आई टीच यू व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटेंसीज। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसीज यू कैन सी द सेट ऑफ attitude, guidelines of nature which decide the behavior of someone, characteristics which decide the behavior of someone called competencies. Here, first of all, you are going to learn the first most important competency, that is entrepreneurial competencies, nature. आपको पता है नेचर क्या होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का? किसी भी एंटरप्रेन्योर का नेचर होता है बॉस बनना, ओनर बनना, सेल्फ कंट्रोल, दैट इज एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी, फ्रीडम, रेस्टलेस वर्क, एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज, एम्बिशंस होती हैं कुछ करने की, कुछ पाने की, entrepreneurial competency. तो ये कुछ पाना, महत्वाकांक्षा होना, ambitious होना, किसी के अंडर में वर्क ना करना, फ्रीली वर्क करना, अपना खुद का बॉस होना, रूलिंग करना दूसरों के ऊपर, ये सब entrepreneurial competencies होती हैं, जो एक entrepreneur की characteristics होती हैं, और ये characteristics nature कह सकते हैं आप, ये attitude competencies कहलाता है। Any set of nature, characteristics or attitude, competency कहलाता है किसी entrepreneur का। तो पहली entrepreneurial competencies। Next, initiative। कुछ लोगों की आदत क्या होती है? Initiate करना, initiative। कुछ लोगों की नहीं यार, पहले तू कर ले। कुछ कहते हैं नहीं, मैं करके दिखाऊंगा पहले। That is initiative. Initiate करना, पहल करना, at least start to do something, that is initiative. कि चलो पहल करते हैं, बिजनेस करना है। चार दोस्त सोच रहे हैं यार कौन सा बिजनेस करेंगे, तो मैं बिजनेस नहीं करा, अच्छा तू करके दिखा, ठीक है मैं बिजनेस करूंगा, that is initiative. कुछ नया करने से डर रहे हैं लोग, मैं नया करके दिखाऊंगा, I will check, that's the first step. That is initiative. यार इस काम में रिस्क बहुत है, ठीक है हम करके दिखाएंगे इस काम को, हम करेंगे। आप ये ना सोचें कि रिस्क भरे कोई भी काम, that should be the productive. ऐसा काम होना चाहिए जो फायदा पहुंचाए आपको, मीन्स किसी भी पर्सन को और सोसाइटी को, that is productive. तो ऐसा यदि कोई रिस्की वर्क है या कोई ऐसा विदाउट रिस्क वर्क भी है, तो इनिशिएटिव होना चाहिए, पहल करनी चाहिए, जिसमें अपना और दूसरे का, मीन सोसाइटी का, सबका फायदा हो, इनिशिएटिव लेना चाहिए, मीन पहल करनी चाहिए, आखिर कोई तो शुरुआत करेगा। तो ये इनिशिएटिव होती है एंटरप्रेन्योर्स की कॉम्पिटेंसी, उनकी नेचर होती है, एटीट्यूड होता है कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा। कुछ का होता है कि मैं ही सबसे पहले करके दिखाऊंगा, कि उसने पहले क्यों किया, मैं चाहता हूं मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगा, मैं पहले बोलूंगा, दैट इज इनिशिएटिव। थर्ड, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कुछ नया करना, मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस लाना, न्यू आइडियाज डेवलप करना। कुछ बच्चों के माइंड में होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूसली नया, और नए सोचने के हिसाब से उनके अंदर न्यू स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू स्किल्स डेवलप इन देम दे क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और द सर्विस, नया प्रोडक्ट या सर्विस वो डेवलप कर देते हैं, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये किसी की कॉम्पिटेंसी हो सकती है। किसी किसी का एटीट्यूड होता है नहीं यार ये तो बहुत पुराना हो गया, जैसे जनरली कहते हैं ये कपड़े बहुत पुराने हो गए, तो पुराने तो नए डिजाइन के खुद सोचो और ठीक है बनाना शुरू कर दो, अपनी खुद की फैक्ट्री लगा दो। यदि आपको लगता है कि नहीं पुराने कपड़े हो गए तो नए होने चाहिए, यदि आपको लगता नहीं, कोई पर्सन कहता जी मैं फैक्ट्री क्यों लगाऊं, मेरा तो दूसरा बिजनेस है, तो ठीक है अपने आइडियाज को
शेयर करो दूसरे के साथ, जो माइंड में आइडियाज आ रहे हैं कि नए कपड़े ऐसे डिजाइन का होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या ये घड़ी नई डिजाइन की होनी चाहिए, या मार्कर में कुछ ऐसा नया हो सकता है, या खाने के आइटम में नया हो सकता है, तो शेयर करो। तो लोग क्या करते हैं, क्रिएटिविटी के बेस पर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस जनरेट करते हैं। तो ये किसी किसी की नेचर होती है, कॉम्पिटेंसी होती है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हर कोई जानता है कि नया जो आप करोगे शायद मार्केट में एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, कितना एक्सेप्ट होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट देकर जाएगा या नहीं देकर जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क होता है। एंटरप्रेन्योर्स के सामने रिस्क ज्यादा होता है बिजनेसमैन की कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, बिजनेसमैन ने मार्कर बनाया, मार्केट में सेल हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत लॉस है, कहीं और सेल कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में मार्कर है, इसके लिए ऑलरेडी कस्टमर भी है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बेस पर कोई नया मार्कर बनाया जिसके नए फीचर्स हैं, लोगों को पता ही नहीं, नए नए फीचर्स। अब ये फीचर्स मार्केट में एक्सेप्ट होंगे भी या नहीं होंगे, कितना इकोनॉमिक बेनिफिट देकर जाएगा, तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है। और रिस्क मैनेजमेंट, बीइंग एंटरप्रेन्योर हम पहले से ही रिस्क डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितने की कॉस्ट आएगी, कितना सेल होगा, कब तक सेल होगा, कितने कस्टमर्स हैं, सारा रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं कि कितने साल तक लॉस हो सकता है, हमें लॉस बियर करना पड़ेगा, और कितने पीरियड के बाद प्रॉफिट होगा कि हम प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। आफ्टर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती है, कैसे वो कॉम्पिटेंसी हो सकती है उसकी, कॉम्पिटेंसीज कैसे उसका बिहेवियर। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे की परेशानियां देखते रहना, ना केवल दूसरों की, अपनी भी, अपने आसपास वालों की। क्यों देखते हैं, व्हाई दे सी द प्रॉब्लम्स ऑफ समवन सो दैट दे कैन सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एंड दिस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बीइंग एंटरप्रेन्योर, कोई पर्सन दूसरे की प्रॉब्लम देखता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम देखता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे देगा, या तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस, दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब वो देगा प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में, वो सेल करेगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, फायदा होगा सेल करने से, तो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में। नेक्स्ट, सिक्स्थ कॉम्पिटेंसी इज लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर, कई बार क्या होता है, सोसाइटी के मेंबर्स को, जो उसकी हो सकते हैं सप्लायर्स हों, ठीक है, इन्वेस्टर्स हों, उनको लीड करके चलता है, उस डायरेक्शन में मूव करता है जिसमें वो चाहता है, मोटिवेट करता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आओ मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सप्लायर्स को एनकरेज करता है कि ठीक है, ये लीडरशिप हो गया, इन्फ्लुएंसिंग समवन टू मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन। लीडरशिप क्या होता है कि मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करूं उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जिसमें मैं चाहता हूं, यही तो लीडरशिप है। कई बार क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके से लीड करता है कि एम्प्लॉइज भी 24 आवर्स वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं, और बेटर क्वालिटी के साथ, एक अच्छा लीडर होता है। नेक्स्ट, परसिस्टेंस मींस हमेशा कुछ नया करना और नए पर रहना, मींस आज ये करा, अभी पुराना है, ठीक है, अब फिर नया हो गया, परसिस्टेंसी। और एक बार जो सोच लिया अच्छे के लिए, मींस कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में, कंस्ट्रक्टिव वे, मींस जो फायदा देता है सबके लिए, अच्छा होता है, तो दैट डिस्ट्रक्टिव होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव बेटरमेंट के लिए होता है। एक बार जो बेटरमेंट में सोच लिया उसको करना ही करना होता है, वो हटता नहीं है, नॉट चेंज द डिसीजन, कंटिन्यू ऑन द कंस्ट्रक्टिव decisions और द वेज और द मेथड्स। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी दैट इज
क्वालिटी परफॉर्मेंस बेस्ट देना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल यहां मैं खड़ा हूं, मुझे आपको 13 हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन देनी है, जो कि बहुत लंबी लेक्चर हो सकता था 2 आवर्स तक का. लेकिन वीडियो आप कोई भी जो वीडियो देखने वाला होता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद तो सो जाएगा, बोर हो जाएगा कि क्या बता दिया ये. तो अब मेरी कोशिश क्या है, क्वालिटी परफॉर्मेंस, कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा और उससे भी अच्छा कैसे पढ़ाना है. दैट इज अ क्वालिटी परफॉर्मेंस. तो क्वालिटी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि क्या क्वालिटी है. ये हमेशा एक एंटरप्रेन्योर अपनी क्वालिटी को चाहता है इंप्रूव करना. और आज मैं कहता हूं कि मैंने बेस्ट पढ़ाया, क्वालिटी परफॉर्मेंस, लेकिन कल मैं आज की कंपैरिजन में और अच्छा करने की कोशिश करूंगा. तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने प्रोडक्ट से, अपने बिजनेस की से, अपने सर्विस या जो भी अपना वर्क कर रहा है उसमें हमेशा कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ही देखना चाहता है. दैट इज कॉल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस बेस्ट. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सीकिंग. सीक मतलब देखना, इंफॉर्मेशन. एक ना केवल एंटरप्रेन्योर, यदि बीइंग स्टूडेंट आप अपने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, या कोई जॉब करने वाला भी है, या कोई भी पर्सन, एक लीडर भी, नेता भी है, पॉलिटिशियन भी है, तो सभी को एक एडवाइस होती है, यदि अपनी लाइफ में सक्सेस गेट करनी है तो हमेशा इंफॉर्मेशंस देखते रहना अपने फील्ड से रिलेटेड. मींस ऑलवेज स्कैन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उसको स्कैन करो. एनवायरनमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. कोई पॉलिटिकल ऐसी न्यूज तो नहीं है जिसमें आपको सर्विसमैन को, या आपको बिजनेसमैन को, या आपको स्टूडेंट को फायदा होगा, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाए, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिससे आपको डेंजर हो सकता है. तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ और उन चीजों को अवॉइड करो. कहीं कोई कंपटीशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, या कहीं सोसाइटी में ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं निकल कर आ रही है जो आपके लिए थ्रेटनिंग हो, या हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी हो. तो इंफॉर्मेशन चाहे वो न्यूज चैनल्स के थ्रू हो, रेडियोज के थ्रू हो, मैगजीन्स के थ्रू हो, ठीक है. तो आप एक अच्छा पर्सन, कोई भी अपने यदि किसी भी फील्ड की बात करो, किसी भी फील्ड की सक्सेस गेट करना चाहता है तो इंफॉर्मेशन सीकिंग होनी चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेस गेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जॉब कर रहा है 10,000 रुपीज, उसके साथ उसका फ्रेंड भी कर रहा है, फ्रेंड ने जॉब छोड़ दी और घर पर बैठ गया. बाद में जो जॉब कर रहा है वो उसके पास गया, भाई तूने जॉब क्यों छोड़ी? तो पूछता है कि तुझे मालूम नहीं मैंने जॉब क्यों छोड़ी? नहीं यार, अरे नई कंपनी आई थी और 20,000 की सैलरी दे रही है मिनिमम. हैं, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं. अरे तुझे पता कैसे होगा, तुझे तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, है ना? पता कैसे होगा, इंफॉर्मेशन है ही नहीं कैसे? क्योंकि तूने इंफॉर्मेशन नहीं देखी. सीकिंग द इंफॉर्मेशन. कई बच्चों का एमबीए में एडमिशन हुआ 10-10 लाख रुपीज में. अब एक बच्चा एमबीए में एडमिशन लेने गया और वो कहता अपने फ्रेंड से, मेरा तो मैंने कोई फीस नहीं दी, फ्री में हुआ एडमिशन. ये क्या बात कर रहा था, झूठ बोल रहा? अरे नहीं यार, कि सच में? हाँ. अरे तो भूल गया, कॉमन इन्होंने एक टेस्ट रखा था, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उस टेस्ट में आपको 95% लाने थे और फ्री में एडमिशन था. यार ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास थी नहीं. अरे होती कैसे, यदि तुमने देखी होती तो होती ना. इंफॉर्मेशन सीकिंग मीन्स आपको एनवायरमेंट के टच में रहना होता है, एनवायरमेंट को स्कैन करना होता है कि एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, जॉब सीकर के लिए हो, एम्प्लॉयज के लिए हो, या ऑनर्स के लिए हो, या किसी के लिए भी हो, कि एनवायरमेंट कोई अच्छी सी इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही है जो कहीं फायदा देकर जाए. इंफॉर्मेशन सीकिंग दैट इज द बेस्ट टू गेट द सक्सेस इन द लाइफ. नेक्स्ट, सिस्टमैटिक प्लानिंग. प्लानिंग करनी है लेकिन कैसी करनी है? सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग करनी चाहिए.
प्लानिंग मीन्स वाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कहलाती हैं और एक सिस्टम में होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर मेथड हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है कि आप के पहले ये डिसाइड करें करना क्या है, फिर डिसाइड करें किसने स्केल पर करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक प्लानिंग कहलाती है। रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करने हैं, ऑल दीज आफ्टर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना मीन्स आपकी जो अपनी क्वालिटीज हैं कोशिश करो दूसरे के अंदर भी ऐसी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर रेस्टलेस वर्क करता है तो वो चाहता है कि मेरे साथ ना सभी ऐसे काम करें। कभी कभी ऐसा होता है जैसे घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है, ज्यादा पढ़ता है, तो वो चाहता है कि मेरे जो छोटे भाई बहन है ना वो भी मेरी तरफ पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। अब वो चाहता है कि अपने छोटे भाई बहनों को इन्फ्लुएंस करे पढ़े, तो उसे और पढ़ के दिखाएगा, बच्चों से कहेगा चलो मुझसे क्वेश्चन पूछो मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। दैट इज इन्फ्लुएंसिंग, मेकिंग समवन टू मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन, लीडरशिप का ही काम करता है ये। ऐसे आपने कहा ठीक है मैं लर्न कर रहा हूँ मुझसे सुनो बच्चों, तो बच्चों को ना आदत पड़ जाती है अच्छा दीदी बढ़िया भैया बड़े मुझसे लर्न करके सुना रहे हैं, बार बार हमसे कह रहे हैं हमसे सुनो, तो वो फिर एक एटमोसफेयर क्रिएट हो जाता है उसी काम का। एज ए बींग एंटरप्रेन्योर, यदि एक एंटरप्रेन्योर है और वो रेस्टलेस वर्क करता है, दिन रात करता है और सारी नॉलेज रखता है, तो आसपास के जो पर्सन होंगे ना दूसरे लोग, उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उसके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, वो भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी ज्यादा काम करना चाहेंगे, अच्छी पार्टी के साथ काम करना चाहेंगे, वो भी फिर नई नई चीजें सोचना शुरू कर देंगे उसकी तरह से जैसे एंटरप्रेन्योर सोचता है। तो इन्फ्लुएंसिंग की उसमें एक करेक्टरिस्टिक होती है, कॉम्पिटेंसी होती है एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट 12th हेडिंग, दिस वन एंटरप्राइज लॉन्चिंग। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, खुद का मालिक बनने के लिए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या खुद की एक एंटरप्राइज, चाहे स्मॉल लेवल पर हो या मीडियम लेवल या लार्ज स्केल पर, एक अपनी एंटरप्राइज लॉन्च करनी होती है। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल दिया था, मेरी एक स्टूडेंट जो कि जिसको डांसिंग का शौक था, उसने क्या किया डांसिंग स्टार्ट कर दी और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के आगे की स्टडीज को कंटिन्यू है, लेकिन डांसिंग क्लास स्टार्ट कर दी है, अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल डाला है, यहाँ तक कि वो उनको सर्टिफिकेट भी देती है, हो सकता है फ्यूचर में वो उससे कंपनी भी रजिस्टर्ड करा ले डांसिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, ऐसी कंपनीज बहुत सारी होती हैं। तो एंटरप्राइज लॉन्चिंग। नेक्स्ट एंटरप्राइज मैनेजमेंट, उस एंटरप्राइज को कैसे मैनेज करके चलना है, कैसे उसके फंक्शंस करने करने, ये सारे कंट्रोल करना है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती हैं। क्योंकि एंटरप्राइज में कैसे मैनेज करोगे, प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है मीन्स रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना होता है, आपको कंट्रोल करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है, तो एंटरप्राइज को मैनेज करके चलना होता है, ये एंटरप्रेन्योर की एक करेक्ट कॉम्पिटेंसी है। माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव लाइक द वीडियो। Now give a thumbs up to like the video, subscribe the channel. Thanks, have a nice day.